हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ की बुक से चैप्टर नंबर 3, इनकम फ्रॉम सैलरीज। और ये चैप्टर गाइस आपको बीबीए फिफ्थ थर्ड सेम एंड बीकॉम फिफ्थ सेम में गाइस आपको ये चैप्टर है, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे। एंड गाइस, मैं आपको जो ये चैप्टर है ये काफ़ी इजी नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं उससे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, सो दैट आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाने वाली हूँ, साथ साथ में हम इलस्ट्रेशन करेंगे, बट जो मैं आपको नोट्स के साथ पढ़ाने वाली हूँ, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि वो नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और गाइस, इनकम टैक्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये सबसे पहले आज इनकम फ्रॉम सैलरीज। सैलरी आपको पता क्या होती है ना, जब हम कहीं काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, ठीक है, हमें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, कुछ पे मिलती है ना, कुछ हमें पर मंथ या पर एनम कुछ पे मिलती है, दैट इज़ सैलरी। अब जो वो सैलरी है उस पर हमें इनकम टैक्स लगता है ना। ज़रूरी तो नहीं है वो सारी की सारी सैलरी पर इनकम टैक्स लगेगा, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। या फिर अगर आप इस किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वो आपको कई बार प्रोवाइड करते हैं ना कि हाउस रेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, कि आपको हाउस भी रहने के लिए आप वो हाउस आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो उसकी सारी एक्सेप्शंस है ना, क्या क्या उसकी एक्सेप्शंस हैं सब कुछ हम पढ़ेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन ये सब पढ़ने वाले हैं। कई बार आपको ऐसा भी होता है कि जब आप जॉब करते हो तो आपको कंपनी वाले कार दे देते हैं, ठीक है, और उस कार पे अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो कितना टैक्स लगेगा, क्या टैक्सेबल अमाउंट रहेगी, सारा देखेंगे, ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन आ रहा है फिर, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सैलरी मैंने गाइस आपको बता दिया क्या होता है, आप देख लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सैलरी। अब आपको पता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सैलरी, जहाँ पर आप काम कर रहे हो मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो आपको क्या देंगे, सैलरी देंगे, है ना। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बिजनेस में क्यों काम कर रहे हो, बिकॉज यू वॉन्ट द सैलरी, एंड वो क्यों आपको सैलरी देंगे, क्योंकि आप उनका काम करके दे रहे हो, है ना। तो ये रिलेशन होता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। नेक्स्ट है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। इनकम टैक्स पर्पस के लिए बोथ जो सैलरी एंड वेजेस है वो क्या है, टैक्सेबल है, हम उसको क्या कहते हैं, सैलरी इनकम, ठीक है। अब जितने भी हम क्वेश्चन निकालेंगे हम उसमें सैलरी इनकम से ही निकालेंगे और उससे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर में भी इंडिविजुअल। अब जो एम्प्लॉयर है वो इंडिविजुअल हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर हो, प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो सकती है, या फिर HUF कंपनी हो सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंपनी हो सकती है। ये मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में बताया था, जो चैप्टर था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया था, उसकी भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका सैलरी फॉर मोर देन वन एम्प्लॉय। ये सारे आप करैक्टरिस्टिक्स से एक बार ही पढ़ लेने, ये हम बुक से ही करने वाले हैं। नेक्स्ट है टैक्स फ्री सैलरी। कई बार क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को ये अलो करता है कि वो क्या कर सकता है, टैक्स फ्री सैलरी को ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो मतलब फुल सैलरी पे क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ एग्जेप्शंस दे देंगे कि इतने परसेंट उसको टैक्सेबल लेनी है, ठीक है। ये हम सारे आगे पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंस, जिसे हम HRA भी कहते हैं, ठीक है। इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक। और जो ये थ्योरी का पार्ट है ये मैंने अभी आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उस पर मैं कराऊंगी, ठीक है। ये जो मैं करा रही हूँ इसमें आपका थ्योरी भी कवर हो जाएगा एंड प्रैक्टिकल भी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। अब इसका क्या मतलब है गाइस, जब देखो आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, कई बार आपको होता है ना कि वो आपको सैलरी भी देते हैं और आपको रहने की जगह भी देते हैं। अब देखो दो कैसे हो सकते हैं, या तो जो हाउस या जो जहाँ पे आपने उनको मतलब उन्होंने आपको रहने की जगह दी है, या वो उनकी हो सकती है या उन्होंने भी आगे रेंट पे ली हो सकती है, है ना। तो मान लो अगर एक पर्सन है वो स्टे कर रहा है या अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, तो वहाँ पे जो रेंट है वो फुली टैक्सेबल होगा, ठीक है। मतलब मान लो आप अपने पेरेंट्स के घर पे रह रहे हो, मतलब जितना भी अगर आपको कोई टैक्स पे कर रहा है तो वो सारा अमाउंट क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा, ठीक है। एग्जेम्प्टेड तब होगा, मतलब आपको टैक्स में थोड़ी छूट तब मिलेगी जब आप खुद रेंट पे करोगे, ठीक है। अगर आपको कहीं से आ रहा है, देन अगर आपको मान लो कहीं से रेंट आ रहा है और आप अपने पेरेंट्स के घर पे रह रहे हो, देन योर रेंट इज़ फुली टैक्सेबल, बट एग्जेम्प्टेड कब होगा, जब आप टैक्स पे करोगे, सॉरी आप रेंट पे करोगे, ठीक है। अब हाउस रेंट अलाउंस में आपके 3 पॉइंट्स आते हैं, मतलब इन तीनों पॉइंट्स में जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी ना वो हमारी एग्जेम्प्टेड होगी, मतलब वही हम टैक्स की छूट देंगे, ठीक है। एग्जेम्प्टेड का मतलब छूट होता है। आगे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है 50% ऑफ सैलरी। अगर मान लो आपका जो आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपका जो हाउस रेंट जहाँ पे आप रह रहे हो या कंपनी की तरफ से आपको रहने के लिए घर मिला है, अगर वो आपका दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है,
एंड चेन्नई में है तो आपको 50% सैलरी इसमें लेनी है, और अगर ही इन चार स्टेट्स के अलावा कहीं और रह रहे हो तो आपको 40% देना है। ठीक है, समझ आ गई। 50% सैलरी तब लेनी है जब आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई में रह रहे हो, और 40% सैलरी तब लेनी है जब आप क्या कर रहे हो, किसी और स्टेट में रह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है एक्चुअल एचआरए रिसीव। एचआरए मैंने आपको क्या कहा, रेंट, हाउस रेंट अलाउंस, मतलब आपको कहीं से रेंट रिसीव्ड होता है, हो रहा है, ठीक है, उसका एक्चुअल अमाउंट लोगे। थर्ड पॉइंट है आपका एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, मतलब जो आप रेंट जो रेंट है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। किसकी सैलरी, उसकी खुद की सैलरी, उस पर्सन की खुद की सैलरी माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो 50% सैलरी उसकी आ रही है 10,000 सपोज करके, एंड एक्चुअल आ रहा है रिसीव आपका 8,000 आ रहा है, एंड एक्चुअल रेंट पे बाय एम्प्लॉयर माइनस 10% ऑफ सैलरी आपका आ रहा है 6,000। तो देखो आपके पास तीन वैल्यू आ गई, 10,000, 8,000 और 6,000। सबसे कम वाली कौन सी आ रही है, 6,000, है ना। तो आप कौन सी एग्जेम्प्टेड में लोगे, 6,000। इन तीनों में से जो वैल्यू आपकी सबसे कम आएगी वो आपकी क्या होगी, एग्जेम्प्टेड वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली होता है। और हाउस रेंट अलाउंस में आपको, जैसे मैंने आपको बताया, आपको सैलरी निकालनी पड़ेगी ना, 50% सैलरी का तभी करोगे। अब सैलरी निकालने के लिए याद रखना है, हाउस रेंट अलाउंस में जो आपको सैलरी निकालनी है उसका फॉर्मूला है बेसिक सैलरी प्लस डीए, डियरेंस अलाउंस, अगर एंटर होगा तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। एंड इसमें कमीशन ऐड करनी है, क्या क्या लेना है, जितनी सैलरी है वो लेनी है, उसके बाद डियरेंस अलाउंस लेनी है, और फिर क्या लेनी है आपको, कमीशन लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो आपकी कितनी है, 30,000 है, एंड उसमें डियरेंस लो है आपको एंटर दिए हुए हैं 20,000, एंड आप 10% कमीशन मान लो आपकी सैलरी पे, तो सभी को ऐड करके आपकी क्या आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी। ठीक है, ये था आपका एचआरए का टॉपिक। अब गाइस इसे एचआरए को समझने के लिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करा रही हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 12। इसमें आपको जो क्वेश्चन है मैं एक बार बोल देती हूँ। मिस्टर हरी इज एन एम्प्लॉयड एट अमृतसर ऑन ए सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ, मतलब मिस्टर हरी जो सैलरी है उसको कितनी मिल रही है, 30,000 पर मंथ। अगर मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं आपको आंसर करवा दूंगी, 30,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक मंथ की सैलरी 30,000 है तो 12 मंथ की कितनी होगी, 360,000, राइट। नेक्स्ट है द एम्प्लॉयर इज पेइंग एच आर ए ऑफ 8,000 पर मंथ। अब मैंने आपको तीन पॉइंट बताए थे, एक आपको क्या लेना था, आपको सैलरी का 50% लेना था। सबसे पहले हमने सैलरी निकालनी है, ठीक है, सैलरी में हम क्या लेंगे, 360,000 ले लिया, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12। नेक्स्ट हम इसमें क्या लेंगे, एक्चुअल आर ए रिसीव, एक्चुअल आर ए एच आर ए रिसीव हमें कितना हो रहा है, 8,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ हो रहा है। ठीक है, इसको हम अलग से लेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। तो हम सैलरी में, एक तो हम सैलरी ले लेंगे 30,000 × 12, एंड इसमें कमीशन ऐड करेंगे, कमीशन हमें दी गई है, ही इज़ ऑल्सो गेटिंग 2% ऑफ कमीशन ऑन टर्न ओवर अचीव्ड बाई हेम, एंड टर्न ओवर इज 50 लाख। ठीक है, मतलब 2% हमें क्या करना है, टर्नओवर का लगाना है, 50 लाख पे 2% अगर गाइस हम लगाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ रहा है 1 लाख आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 2% टर्नओवर पे कमीशन लगाई 1 लाख। उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, हाउस रेंट अलाउंस निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले 8,000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तीनों वैल्यूज़ में हमने एच आर ए में तीन वैल्यू निकालनी होती है, एक तो हमने सैलरी की वैल्यू निकालनी होती है, उसके बाद हमने कमीशन एच आर ए निकालना होता है। ठीक है, सब कुछ निकालने के बाद हमने देखना होता है तीनों में से सबसे कम वैल्यू कौन सी। अब यहाँ पे 96,000 सबसे कम वैल्यू है, तो 96,000 में एग्जेम्प्टेड वैल्यू क्या हुई हमारी, 96,000 में 96,000 माइनस करेंगे तो हमारा जो हमारी टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना आ रहा है, मतलब यहाँ पे टोटल एच आर ए हमारा नील आ रहा है, तो हमारी सैलरी निकल जाएगी यहाँ पे 360,000, 1 लाख एंड प्लस करेंगे तो कितना होगा, 460,000। ठीक है, समझ आया, पहले सैलरी निकाल लेनी है, 360,000 हमारी थी, कमीशन ऐड करी 1 लाख, उसके बाद एच आर ए हमें रिसीव्ड कितना हुआ है, 8,000 × 96,000, इन तीनों में से कम वैल्यू कौन सी, 96,000, तो 96,000 में हम 96 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल एच आर ए टैक्सेबल एच आर ए कितना आया, नील आया, जीरो आया, तो टोटल हमारी ग्रोथ सैलरी कैसे आएगी, 360,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 460,000। तो ये आपकी इलस्ट्रेशन थी, ठीक है, एच आर ए की। एक और इलस्ट्रेशन है आपकी, इलस्ट्रेशन नंबर 13, जिसमें है मिस्टर गणेश इज एम्प्लॉयड विद द कंपनी एट दिल्ली। अब दिल्ली में रह रहे हैं तो कितनी परसेंट सैलरी लगेगी, 50%। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023 ही गेट 60,000 पर मंथ। अब यहाँ पे उन्होंने सैलरी कितनी मिल रही है, 60,000 पर मंथ, 60,000 × 12 कर देंगे, एंड बेसिक सैलरी उनको कितनी मिल रही है, 20,000 पर मंथ ये रिसीव्ड हुई है। ठीक है, जो बेसिक सैलरी यहाँ पे बताई गई है ये 20,000 उसे रिसीव हो रही है एज अ रेंट अलाउंस। ही ऑल्सो गेटिंग 20,000 एज अ डियरेंस अलाउंस, बट 50% शॉल बी टेकन इन टू कैलकुलेट ऑफ वैल्यू ऑफ अदर रिटायरमेंट बेनिफिट। अब यहाँ पे डियरेंस अलाउंस हमें डी ए गिवन है, बट यहाँ पे एंटर है नहीं है ये हमें नहीं बताया है ना।
उसके बाद नेक्स्ट है इन दिल्ली ही इज़ हैविंग इट्स ओन रेजिडेंशियल फ्लैट है उसके पास, ठीक है, जो उसने 2016 को खरीदा था। नेक्स्ट है 28 जून को वो अपने नेटिव प्लेस नागपुर पे, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था, मतलब 28 जून से वो 31 अक्टूबर तक कहाँ पे रहा, अपने पेरेंट्स के साथ रहा, और उसके बाद 1 नवंबर को वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब वही रेंटेड हाउस पे शिफ्ट हो गया, जहाँ पे उसे कितना रेंट पे करना पड़ रहा था, 20,000 पर मंथ, ठीक है। ही डिडंट पे एनी अमाउंट व्हेन ही स्टेइंग हिज पेरेंट्स हाउस, जब वो अपने पेरेंट्स के घर पे रहा उसने कोई भी रेंट पे नहीं किया, ठीक है, पेरेंट्स का घर है, पेरेंट्स रेंट थोड़ा ना लेंगे। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ HRA चार्जेबल टू द टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-2024। अब हमें टैक्सेबल अमाउंट निकालनी, सबसे पहले तो गाइज देखो अभी यहाँ से 28 जून से लेके 31 अक्टूबर तक वो कहाँ रहा, अपने पेरेंट्स के घर रहा, है ना, उसके बाद वो 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अपने मतलब रेंट वाले हाउस पर रहने लग गया। तो सबसे पहले टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे HRA की, कौन से असेसमेंट ईयर की, 2023 से 2024 तक। सबसे पहले हम कहाँ पे निकालेंगे, अप्रैल से लेके जून तक निकालेंगे, मतलब 1/4/2022 से लेके 30/6/2022 तक, क्योंकि ये वहाँ पे कहाँ पे रहा था, दिल्ली में रहा था, ठीक है, अप्रैल टू जून ये दिल्ली में रहा था। तो सबसे पहले 3 मंथ्स का ये पीरियड था, ठीक है, और यहाँ पे उसका घर जो था क्या था, वो अपने खुद के घर में रहा था और कोई रेंट पे नहीं कर रहा था। तो HRA का जो अमाउंट था वो फुली टैक्सेबल होगा, फुली टैक्सेबल कितना होगा, 20,000 × 3, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी बेसिक सैलरी थी, मतलब जितना वो रिसीव कर रहा था, क्वेश्चन में आपको 20,000 गिवन है ना, 20,000 बेसिक सैलरी वो रेंट अलाउंस उसे रिसीव हो रही थी, तो फुली टैक्सेबल है। जब वो अपने, मैंने आपको बताया था, जब वो अपने पेरेंट्स के घर पे रहेगा तो उसे जो टैक्स है वो सारा पे करना पड़ेगा, मतलब फुली टैक्सेबल होगा। तो 20,000 × 3 करेंगे तो 60,000 हमारी क्या आ जाएगी, फुली टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी HRA की। नेक्स्ट है हम निकालेंगे जुलाई टू अक्टूबर, ठीक है, जुलाई से लेके अक्टूबर तक निकालेंगे। तो जुलाई से अक्टूबर तक वो कहाँ रहा था, नागपुर में रहा था, ठीक है, नागपुर में, मतलब जुलाई से लेके अक्टूबर तक कितने मंथ्स हो गए हमारे, ये 4 मंथ्स हो गए, 4 महीने वो नागपुर में रहा, ठीक है, और ये कहाँ पे रहा था, अपने पेरेंट्स के घर रहा था, इसने कोई रेंट पे नहीं किया, उल्टा इसे रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ, 20,000 महीने का रिसीव हो रहा था, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जुलाई से अक्टूबर तक कितने महीने हो गए, 4 महीने, तो कितना हो गया, 80,000 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है नवंबर टू मार्च, अब नवंबर में वो कहाँ पे आ गया था, मतलब रेंटेड हाउस में आ रहा था, जहाँ उसे रेंट पे करना पड़ रहा था, दोनों पॉइंट्स में इसे रेंट, मतलब जो दोनों पॉइंट हमने दिल्ली और नागपुर में पढ़े हैं उसमें उसे रेंट मिल रहा था, बट यहाँ पे वो पे करेगा, नागपुर में आ गया है। अब 5 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, नवंबर से मार्च तक कितने मंथ हुए, 5, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये कितने मंथ्स हुए, 5 मंथ्स हो गए, ठीक है। बेसिक सैलरी कैसे करेंगे, 60,000 जो थी गाइस इसकी बेसिक सैलरी थी, 60,000 मतलब इसकी थी बेसिक सैलरी, 60,000 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, मतलब 60,000 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख आपका आ जाएगा। उसके बाद DRS अलाउंस कितनी आपको गिवन थी, 20,000, 5 मंथ के लिए करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे हमें DRS अलाउंस का 50% कहाँ पे लेना है, एज ए सैलरी में लेना, तो 1 लाख का 50% कितना होगा, 50,000। अब हम सैलरी कैसे निकालेंगे, बेसिक सैलरी 3 लाख प्लस 50,000 दैट इज इक्वल टू 3,50,000। अब जो रेंट वो पे कर रहा था कितना पे कर रहा था, 24,000, कितने मंथ्स के लिए, 5 मंथ के लिए, नवंबर से लेके मार्च तक, है ना, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1,20,000। अब हमें HRA निकालना है, जो हमने एग्जेम्प्टेड पोर्शन निकालना है ना, पहला है हमें HRA रिसीव हो रहा है, मतलब हमें रेंट रिसीव हो रहा है, 20,000 × 5 कितना हो रहा है, 1 लाख। अब गाइज वो नागपुर में रह रहा है, अब वो नागपुर में रह रहा है ना, मैंने आपको कहा था वो कौन कौन सी सिटी, मतलब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चाइना में रहेगा तो, सॉरी चेन्नई में रहेगा तो 50% सैलरी का देगा, अगर उससे अलावा सेल्स, उससे अलावा स्टेट्स में रहेगा तो 40% देगा। तो ये नागपुर में रह रहा है, 40% सैलरी का करेंगे कितना होगा, उसकी सैलरी का 40% 1,40,000। उसके बाद गाइस रेंट पेड का क्या करेंगे, 10% निकालेंगे सैलरी का, जैसे मैंने आपको कहा था, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल रेंट कितना उसने पे किया, 1,20,000 यहाँ पे आ रहा था, और उसका 10% किसका करेंगे, सैलरी का, सैलरी हमने कितनी निकाली, 3,50,000, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे, मतलब हमारे पास कितने अमाउंट्स आ गए, अभी 85,000 आ जाएगा ना, 1,20,000 में हम कितना माइनस करेंगे, 3,500 माइनस करेंगे तो 85,000 आ जाएगा। अब तीनों में देखो अब कौन सी जो वैल्यू है वो कम है, 1 लाख कम है, 1,40,000 के 85,000 कम है, ठीक है। अब गाइस इन तीनों में से सबसे कम जो वैल्यू है 85,000 है, मतलब ये लीस्ट वैल्यू, तो हम इसको टैक्सेबल अमाउंट के लिए लेंगे। सबसे पहले 5 मंथ का HRA हमने कितना निकाला, 1 लाख, उसमें से हम माइनस करेंगे 85,000, ठीक है, 85 एक्चुअल HRA में हम माइनस करेंगे, जो हमारी एग्जेम्प्टेड वैल्यू लीस्ट वैल्यू हमने ली, 85,000 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15
15,000 हमारा आ गया। सबसे पहले हमने ऊपर कितना निकाला था टैक्सेबल वैल्यू, जब वो दिल्ली में रहा था 60,000, फिर वो नागपुर में रहा था तो 80,000, और अब हमने कितना निकाला 15,000। तीनों को प्लस कर देंगे और जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट है एचआरए का वो कितना आ जाएगा, 1,55,000। तो गाइस 1,55,000 ये आ चुका है आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका एचआरए का टॉपिक। नेक्स्ट हम करेंगे आरएफए का टॉपिक, रेंट फ्री अकोमोडेशन का टॉपिक, ठीक है। अभी हमने कौन सा टॉपिक किया है, हाउस रेंट अलाउंस का टॉपिक, ठीक है, एचआरए का टॉपिक किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेंट अलाउंस का टॉपिक। होप सो गाइस आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस इनकम टैक्स लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस एंड ऑल्सो चेक द लिंक ऑफ प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाउ।